हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है रैशनल एंड इरैशनल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1C का 6th सम लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, 6th सम का फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, वहाँ पे एक्स और वाई दिए हुए हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एक्स जो हमें गिवन है वो हम लिखेंगे। एक्स कितना गिवन है, देखो, एक्स इक्वल टू √5 − 2/√5 + 2। अब इसको पहले रैशनलाइज करेंगे हम, ठीक है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, सबको आता है ये रैशनलाइज, हमने पिछली वीडियोस में सिखाया है आपको रैशनलाइज करना। अगर आपने नहीं सीखा तो उसे दोबारा से आप देख सकते हो पिछली वीडियो, उसमें से सीख सकते हो। अब दोबारा से साथ में देखो, सबसे पहले हम रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर है वही सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन जो है वो चेंज करके। अगर डिनोमिनेटर में साइन प्लस का है तो हमने माइनस का लगाना है दोनों तरफ, क्लियर। अब यहाँ पे सामने सामने मल्टीप्लाई होनी है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ पे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये सेम नंबर है, यहाँ पे √5 − 2 का होल स्क्वायर बन गया। और नीचे नीचे दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो ब्रैकेट्स आ गई हमारे पास, √5 − 2। अब यहाँ पे फार्मूले हमने जो पहले रिवाइज की लर्न किए हुए हैं उनको रिवाइज करना है, ध्यान से देखना है कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। यहाँ पे पहले ऊपर a − b का होल स्क्वायर लग रहा है फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे फार्मूले लिखें सामने, जो भी हमने आइडेंटिटी यूज करनी है वो सामने हमने बताना है कि कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, पहले तो ऊपर a − b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² − 2ab। दूसरी आइडेंटिटी जो न्यूमिनेटर में यूज हो रही है वो कौन सी है, a + b × a − b किसके इक्वल है, a² − b². अब यहाँ पे पहले a − b का होल स्क्वायर, अब a के प्लेस पे हमारे पास √5 है और b के प्लेस पे 2 है। तो यहाँ भी फॉर्मूले में a है उसकी जगह पे हमने √5 लिखना है और जहाँ b है वहाँ पे 2 यूज करेंगे। तो सॉल्व करेंगे इसे, a² मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा, a² + b² + b² −2 × a, a मीन्स √5, b मीन्स 2। नीचे a² कौन है, √5, और b कौन है, 2। a² √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। इसे सॉल्व करेंगे, रूट के साथ स्क्वायर जो है कट गया, ऊपर 5 आ गया, प्लस 2 × 2 = 4। अब यहाँ पे 2 × 2 = 4 और √5, 4√5। नीचे रूट के साथ स्क्वायर कट गया, 5 आ गया और −2 × 2 = 4। तो यहाँ हमारे पास आ गया 5 और 4 ऐड हो जाएंगे 9, −4√5 और नीचे डिनोमिनेटर में 5 में से 4 माइनस किए 1। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 9 − 4√5। तो स्टूडेंट, यही हमारा आंसर नहीं है अभी, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना था, देखो, x², ठीक है। तो जो भी x की वैल्यू आई उसका हम स्क्वायर करेंगे अभी। तो x² = 9 − 4√5 का स्क्वायर। तो फिर से वही आइडेंटिटी जो है हमें यूज होनी है, कौन सी, a − b का होल स्क्वायर। तो किसके इक्वल होता है, a² + b² − 2ab। तो लिखेंगे कैसे, a अब कौन है हमारे पास,
9 और b 4√5। तो यहाँ पे a स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस बी कौन है 4√5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए के प्लेस पे 9 और बी के प्लेस पे 4√5। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया 81 आ गया। दूसरा यहाँ इसे सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 5 को जब स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर कट गया। यहाँ पे साइड पे हमने सॉल्व करके देखना है, देखो 4√5 मल्टीप्लाई 4√5, 4 जा 16 और 5 को 5 के साथ 5, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 80। तो यहाँ पे आंसर आया 80 माइनस, यहाँ इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 72 और √5। यहाँ पे पहले दो नंबर जो हैं प्लस के हैं, 81 और 80, इनको प्लस करके हमारे पास 161 आंसर आया और माइनस 72√5। तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर, यही हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर होगा। यहाँ पे उसने क्या कहा था हमें कि एक्स स्क्वायर फाइंड करो, तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर का आंसर। इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास, फाइंड वाई स्क्वायर। तो वाई हमें दिया हुआ है ऊपर, उसको पहले रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे सेम जो डिनोमिनेटर है उसी के साथ मल्टीप्लाई दोनों तरफ, लेकिन साइन चेंज करके। यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमने प्लस का साइन डालना है। यहाँ पे सामने सामने मल्टीप्लाई की, ऊपर फार्मूला कौन सा लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर किया कितना आ गया हमारे पास, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट गया 5, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर, ऊपर फॉर्मूला हमने लगाया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट गया, यहाँ 2 का स्क्वायर किया, इधर 2 2 4√5। तो यहाँ हमारे पास आ गया 5 + 4 + 4√5/1। तो 5 + 4 कितना आ गया, 9 + 4√5। लेकिन हमने सिर्फ y फाइंड आउट नहीं करना, y हमें दिया हुआ था उसको रैशनलाइज किया है, अब y स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। जो भी आंसर आया उसको हम स्क्वायर करेंगे। तो अब यहाँ y का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, जो आंसर आया था उसी को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a कौन है, a के प्लेस पे 9 है और b के प्लेस पे 4√5। तो आंसर क्या लिखेंगे इसका, a स्क्वायर, यहाँ पे a कौन है 9 का स्क्वायर प्लस b 4√5 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, a के प्लेस पे 9 और b के प्लेस पे 4√5। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 9 को 9 के साथ स्क्वायर मल्टीप्लाई किया 81, यहाँ पे ध्यान से करना है 4√5, 4 को 4 के साथ 16 और यहाँ पे 5 को जब √5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, 16 को 5 से मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारे पास इतना आया 80। नेक्स्ट इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 72√5। तो यहाँ पे दोनों को प्लस किया, 161 + 72√5। तो ये आ गया हमारा आंसर y स्क्वायर। इसी का थर्ड पार्ट है, x y हमें दिए हुए हैं ऊपर और थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि x इंटू वाई, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई जब किया तो सेम नंबर थे ऊपर नीचे, न्यूमिनेटर में अलग अलग, दोनों को कटिंग होके 1 आंसर आ गया हमारा। मल्टीप्लाई में दोनों कट गए आपस में और x y का वैल्यू जो है, आंसर जो है वो हमारे पास 1 आ गया। तो ये आ गया आंसर। जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हमने फाइंड आउट करना था, ये फोर्थ पार्ट में, ठीक है।
तो एक्स स्क्वेयर की हमने पीछे फर्स्ट सम जो सॉल्व किया उसका आंसर लिख लिया, वाई स्क्वेयर की जगह वाई स्क्वेयर जो सॉल्व किया उसका आंसर लिख लिया, और एक्स वाई का हमारे पास वन आंसर आया। अब इन दोनों को जब हमने तीनों को ऐड किया तो ये नंबर जो है कट गए, सेम नंबर थे, प्लस और माइनस का साइन था, और इन दोनों को हमने तीनों को ऐड किया और तीनों को ऐड करके हमारे पास आ गया आंसर 323, 323 आंसर आ गया हमारे पास फोर्थ पार्ट का। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसे स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।